नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। आज यह वीडियो उन सभी जातकों के लिए है जिनकी चंद्र राशि तुला है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि के बारे में नहीं पता तो ऊपर दिए आई बटन को क्लिक करके आप अपनी चंद्र राशि जान सकते हैं। मैंने इस विषय पर वीडियो बनाई है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन का, जो वर्ष 2022 में होने जा रहा है। राहु किसी एक राशि से दूसरी राशि में आने के लिए करीब 1.5 वर्ष का समय लगाता है। 12 अप्रैल 2022 को राहु वृषभ राशि की अपनी यात्रा को समाप्त करके दिन में 11:25 पर मेष राशि में कृतिका नक्षत्र के चरण एक में गोचर करेंगे। इसी दिन केतु वृश्चिक राशि की अपनी यात्रा को समाप्त करके तुला राशि में विशाखा नक्षत्र के चरण तीन में गोचर कर जाएंगे। साल 2022 में अप्रैल माह में कई बड़े ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। इनमें राहु केतु भी हैं। ये दोनों ग्रह हमेशा ही उल्टी चाल यानी वक्री गति से चलते हैं। राहु केतु के राशि परिवर्तन से जातक की जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 12 अप्रैल 2022 को राहु वृषभ राशि से मंगल ग्रह की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और 30 अक्टूबर 2023 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। राहु को विदेश यात्रा, बीमारी, राजनीति व अचानक धन लाभ का कारक माना जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि राहु केतु के राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह वीडियो केवल और केवल उन्हीं जातकों के संदर्भ में है जिनकी चंद्र राशि तुला है, क्योंकि प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ फल दीपिका में चंद्र राशि से गोचर का विचार करने का निर्देश है। राहु का गोचर चंद्र राशि से पहले 3रे, 5वे, 7वे, 8वे, 9वे व 10वे स्थानों में शुभ होता है, जबकि केतु का गोचर चंद्र राशि से पहले 2रे, 3रे, 4थे, 7वे, 9वे व 11वे भावों में शुभ होता है। तो जिन जातकों की चंद्र राशि तुला है, राहु 8वे भाव से 7वे भाव में गोचर करेंगे, जबकि केतु 2रे भाव से पहले भाव में गोचर करेंगे। जब जब शनि का गोचर शुभ फल देता है, तब तब राहु का गोचर भी शुभ फल ही देता है। 29 अप्रैल 2022 को शनि चंद्र राशि तुला में चतुर्थ भाव से पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे, जो कि तुला राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ व शुभ फल प्रद है। मुझे नहीं पता कि राहु के इस राशि परिवर्तन के कारण तुला राशि के जातकों को किस किस प्रकार से डराया जा रहा है या भ्रमित किया जा रहा है, पर मेरे चैनल पर मेरे द्वारा कभी भी गुमराह नहीं किया जाता, ना करूंगा। तो जब राहु का सप्तम भाव में गोचर होगा तो तुला राशि के जातकों को व्यापार में, नौकरी में, कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी। व्यापार में अचानक वृद्धि होगी। यात्रा आदि से धन का लाभ होगा। सरकारी उपक्रम से, राज्य की ओर से विशेष कृपा प्राप्त होगी। मित्रों से सहायता मिलेगी। साथ ही केतु का प्रथम भाव में गोचर आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, आपकी बचत को, धन को बढ़ाएगा। आपकी संतान विशेषतः पुत्र के भाग्य में अचानक वृद्धि करेगा। जहां राहु केतु का राशि परिवर्तन इतना शुभ फल भी देगा, तो वहीं कुछ विपरीत परिणाम भी मिलने की आशंका है। तुला राशि के जातकों को पेट से जुड़ी बीमारी होने की संभावना बनेगी। मन में एक अजीब सा कलह पैदा होगा। यदि लग्न कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है, तो शरीर पर चोट लगने का भी भय बनेगा। आप जातकों को सलाह दी जाती है प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर
125 ग्राम जो अर्पित करें। हर प्रकार से राहु व केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए श्रेष्ठ बनेगा। तो यह तो बात हुई राहु व केतु के राशि परिवर्तन की। अब यदि आप जातक अपनी कुंडली का घर बैठे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना संपर्क सूत्र दिया है, आप छोटा सा शुल्क अदा करके घर बैठे यह सुविधा पा सकते हैं। साथ ही गृह प्रवेश, नींव निर्माण, दुकान मुहूर्त, किसी भी प्रकार का शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक व कमेंट करना मत भूलिएगा। अब इजाजत चाहता हूं, धन्यवाद।